सुनो जी, एक बात बताओ, इंसान गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश रहता है या बीवी के साथ? अरे भैया, बीवी के साथ तो भगवान नहीं खुश हुए, तो इंसान क्या घंटा खुश होगा? अच्छा, वो कैसे? अबे यार, बिल्कुल आसान सी बात है। देख, तूने देखा होगा शंकर भगवान और पार्वती माता जब फोटो में होते हैं तो शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल होता है। जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो में तूने देखा होगा कि विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है। राम जी और सीता माता की फोटो में तूने देखा होगा कि राम जी के हाथों में धनुष होता है। भैया, ये सब अपनी अपनी बीवियों के साथ हैं, इसलिए इन लोगों के हाथ में हथियार है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति को देख या फोटो को देख, कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी होती है और वो चैन की बंसी बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीवी के साथ नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, समझी? इसलिए भैया, भाई गरम क्या है? तेल। हेलो, इट्स मी। भैया केला कैसा है? लंबा है। हेलो, इट्स मी। भाई वॉशिंग स्टेशन जाएगा क्या? मैं नहीं जाएगा, ऑटो जाएगा। हेलो। अरे काका, जूता तो एक नंबर है। नहीं, ये तो छह नंबर है। हेलो, इट्स मी। मामा टमाटर कैसा दिया? हाथ से। हेलो, इट्स मी। भैया एक प्लेट देना। हेलो, भाई 100 के अंडे देना। भाई सो के तो नहीं दे सकता, खड़े रह के चाहिए तो बोलो। हेलो अंकल, ये दादर कौन सी बस जाएगी? लोखंड की बस जाएगी। हेलो, ये गोदावरी बिल्डिंग किधर है आंटी? आंटी डिग्री क्या रे? हेलो, भैया एक पाव देना। हेलो, क्या बात है छोटे, केला खा रहा है? छिलका नहीं खा सकता ना। हेलो, पापा पानी का ग्लास देना। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, महल से भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियाँ चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप। अगर मैं शादी करना चाहूँ तो तेरे जैसी लड़कियाँ इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? मैं तमीज नहीं। देखना वाइस के ऊपर जोक आया है। ओए, तेरी भी तो बीवी है ना। चल मैं तुझे दो ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए, तुझे पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बितानी है। ऑप्शन बी, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तू दो नहीं बल्कि 2000 ऑप्शंस भी देगा ना, तब भी मैं ऑप्शन ए ही चुनूं कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ ही गुजारनी है। एक मकान में रहता था मैं, उसने आकर उस मकान को घर बना दिया। तुझे पता है जब वो बीमार होती है ना, तो मैं उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ, रात को दवाई देकर उसे सुलाकर खुद भी सो जाता हूँ। सुबह ऑफिस से जाना होता है, लेकिन जब मैं बीमार होता हूँ ना, तो वो मुझे रात को दवाई देकर सुलाती है पर खुद नहीं सोती, पूरी रात जागकर मेरे पैर दबाती, मेरा सर दबाती। उस वक्त मैं ये भूल जाता हूँ यार कि उसे अगले दिन घर का सारा काम भी तो करना होता है। ऐसा सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। बस इतना ही जानूं, रब दिखता है। भाई मैंने तो दिमाग में दो बात अच्छी तरह से बिठा ली है। पहली ये है कि कोरोना से लड़ना है, घबराना नहीं, और दूसरी ये है कि घरवाली से घबराना है, लड़ना नहीं, क्योंकि दोनों की ही वैक्सीन अभी तक नहीं बनी।